हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सुभाषिश चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में से सीखेंगे कि इस तरीके का जो नॉर्मल झालर लाइट होता है, इस लाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक में इनपुट करेंगे तो चलिए एक बार इनपुट करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं ये लाइट नॉर्मली जल रहे हैं, ये लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इसके जैसा किसी भी नॉर्मल लाइट को ऊपर में जो लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है इसके जैसा बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हमको एक ऐसा डिब्बे चाहिए। इस डिब्बे को हमने ब्लिंकिंग करते हुए एक झालर लाइट से खोल लिया है, इसे चेसर बॉक्स बोलते हैं। तो पहले हम इस चेसर बॉक्स को खोल लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर एक सर्किट लगी हुई है, इस सर्किट को हम चेसर सर्किट बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके का चेसर सर्किट नहीं रहते हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप से इस तरीके का चेसर सर्किट आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं इस सर्किट का इस साइड में एक एसी लाइन इनपुट हुआ है और दूसरा साइड में भी एक एसी लाइन इनपुट हुआ है। दूसरा साइड में जो एसी लाइन इनपुट हुआ है, ये एसी लाइन सीधा इस फॉइल में होकर इस आउटपुट कनेक्टर पॉइंट में कनेक्ट हुआ है। इसे हम कॉमन आउटपुट कनेक्टर पॉइंट कह सकते हैं। इसके सिवा आउटपुट के लिए और भी दोनों कनेक्टर पॉइंट दिया हुआ है। ये दो कनेक्टर पॉइंट एक आईसी से आउटपुट होके आए हैं। इस आईसी के जगह किसी किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर भी रहते हैं। तो दोस्तों, इन दो झालर को ब्लिंकिंग कराने के लिए हम पहले येलो झालर से एक वायर ले लेंगे और उसके बाद रेड झालर से भी एक वायर ले लेंगे और इन दो वायर को हम एक साथ मोड़ लेंगे। दोस्तों, आप दोनों झालर का किसी भी एक वायर लेके एक कॉमन वायर बना सकते हैं। इस तरह आप हमें इन कॉमन कनेक्टर पॉइंट को सर्किट का कॉमन फॉइल के साथ, यानी आउटपुट कॉमन फॉइल के साथ इस तरह जोड़ लेना होगा। उसके बाद दोनों झालर का जो एक एक वायर बची हुई है, इन दो वायर में से किसी भी एक वायर लेके हम बीच में कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे तो दाहिने तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम बीच का आउटपुट कनेक्टर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। अब हम दूसरा झालर का, यानी रेड झालर का जो वायर बची हुई है, इस वायर को हम आउटपुट कनेक्टर पॉइंट का जो दाहिने तरफ कनेक्टर पॉइंट बची हुई है इसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस तरीके का सर्किट का जिस साइड में एसी लाइन इनपुट होगा उसका अपोजिट साइड में ही आपको आउटपुट कनेक्शन मिल जाएगा। किसी किसी सर्किट में तीनों के जगह आपको चारों कनेक्टर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। उस सर्किट में आप तीनों झालर को एक साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तब आपको ऐसे ही तीनों झालर से एक एक वायर लेके एक साथ जोड़ के एक कॉमन वायर बनाना होगा। दोस्तों, आई होप आप इस कनेक्शन को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम टेस्टिंग करने के लिए इसका एसी लाइन को हम प्लग इन कर लेंगे। तो दोस्तों, एसी लाइन को प्लग इन करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं दोनों लाइट कैसे ब्लिंकिंग कर रहा है। अब हम हमारा रूम का लाइट थोड़ा कम कर देते हैं। दोस्तों, इस सर्किट के मदद से हम झालर में जो ब्लिंकिंग कर रहा है, इस ब्लिंकिंग का मूड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका मूड चेंज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।